You're watching Ahmednagar City Channel. इंग्रजांविरुद्ध लढणारे थोर स्वातंत्र्य सेनानी आणि देशभक्त शहीद टिपू सुलतान यांच्याबद्दल अपमानजनक वक्तव्य करणारे आणि सर्व देशवासियांच्या भावना दुखावणारे महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याबाबत टिपू सुलतान युवा सेनेच्या वतीने राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. या संदर्भात MIM चे सरफराज जहागीरदार यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. जो इस स्टेट के माजी CM रह चुके हैं, जिनको आजकल सोशल मीडिया पे कोई फलों के नाम से कोई तरबूजिया बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है और होनी भी चाहिए. क्योंकि जब जो इंसान देश को आज़ाद करने के अंदर जो स्वतंत्र सेनानी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर जब वो दो समाज में तेढ़ निर्माण की कोशिश है, तो ऐसी ही जिल्लत इनको मिलनी चाहिए और मिलते ही रहेगी. और इनका निषेध उन्होंने है, और ज़रूरत पड़ने पर हमने दिलीप वळसे पाटील साहब को ये कहा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. देखिए, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर सारे लोग, चाहे वो मंत्री हो या कोई आम आदमी हो, कायदा सबके लिए समान है. तो इनके ऊपर इस तरीके की कानून कार्रवाई की जाए. और क्यों की जाए? क्योंकि जब जिस तरीके से हमने पत्र दिया, और हमारे देवेंद्र फडणवीस हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान को जो आईन है उसके पेज नंबर 144 के ऊपर चैप्टर 16 के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान का उल्लेख है. देश के अंदर हमने गोरों को भगाने का सबसे पहला काम जो किया है, जिसके अंदर हमें गोरों से आज़ादी दिलाने की पहली लड़ाई शुरू जो की हज़रत टीपू सुल्तान ने शुरू की है. तो हमने इसका निवेदन दिया और हम पुरखलूस उनका निषेध करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम आक्रमण. पड़ा वक्त तो गुलिस्ता को खून हमने दिया, अब चमन में बाहर आई तो कहते हैं अब तुम्हारा काम नहीं. आज अहमदनगर के तमाम मुसलमान और तमाम शहरी यहाँ आकर जमा हुए. उन्होंने इस बात का मजम्मत की जो हमारे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ने जो अशब्द बात जो की, जो पहले शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में उन्होंने उनको ये बयान किया कि वो हिंदू के विरोधी है, जबकि इतिहास गवाह है उन्होंने 156 मंदिरों को ज़मीन दान दी, उन्हें 156 मंदिरों को गहने दिए, 10,000 मंदिरों को उन्होंने दान दिया. ये इतिहास नोंद है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ. और इतने महान राजा के बारे में शब्द कहना, और इतने ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जिसे बहुत ताज्जुब की बात हो रही है. तो ये जितने हमारे चाहने वाले हैं हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, वो एक गट नहीं है, एक मुस्लिम समाज नहीं उनको चाहता है, कि पूरे भारत उनको चाहता है. क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दो बार हराया, जो कोई व्यक्ति ने अब तक नहीं हराया, उन्हें दो बार हराया है. ये एक इतिहास में नोंद है. दूसरी बात, वो पहले फ्रीडम फाइटर है जो अपने हिंदुस्तान के आइन के लिए, हिंदुस्तान के लिए वो शहीद हुए, और जिसने अपने आप को झुकाया नहीं और रूबरू उनसे जंग करके फतेह हासिल की. ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बात हो रही है. ये जो राजकारण आज होता जा रहा है, और ये जो बातें होती जा रही है, इसकी मजम्मत करने के लिए अहमदनगर शहर में तमाम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं. इनका निषेध करते हैं. आने वाले कल में हम, अगर जब भी ऐसा होगा, हम सब जमा होंगे और इसका हम पूर्व तरीके से मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं, निषेध करते हैं. और आने वाले कल में जो भी होगा, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए, और हम ये निषेध करते हैं कि भाई इनको ऊपर एक कायदा नोंद किया जाएगा. आने वाले कल में ऐसे महान व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द ना यूज़ किया जाए, इसके हम राज्यसभा में, लोकसभा में इसके लिए एक कानून बनाया जाए कि जो ऐसे महान व्यक्ति के लिए इनके जो भी अशब्द बात कहेंगे, इनके ऊपर कड़ी की जाए. इसके लिए हम इसकी मजम्मत करते हैं. शुक्रिया. यावेळी सय्यद शाह, फैजल शानू, सरफराज जहागीरदार, अल्तमस जरीवाला, वाहिद शेख, फारूक शेख, राजू जहागीरदार, समीर खान, मतीन शेख, जावेद शिकलकर, शहबाज शेख, अमीर खान, सतानउल्ला खान, आरिफ शेख आदि उपस्थित होते. प्रतिनिधि आयनुल शेख, ATV न्यूज, अहमदनगर.